देवर शहीद मेला मंच पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता आयोजन के समय और आज की पत्रकारिता के विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संजय शर्मा, चीफ एडिटर 4PM दैनिक समाचार पत्र लखनऊ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली से आए सैयद जैदी, एडिटोरियल एडिटर न्यूज पिन इंडिया दिल्ली ने की और संचालनकर्ता उस्मान सिद्दीकी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट दिल्ली ने किया। दिल्ली एवं लखनऊ से चलकर आए वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने पत्रकारिता के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धरती पर आने का मौका मिला और इतना खुशनुमा माहौल देखने को मिला। एक तो शहीदों की याद में मेला होना अब ये इतिहास बन गया है, लेकिन आज वो हकीकत में देखा, दिल को खुशी हुई और उसी माहौल में पत्रकारिता और पत्रकारों के ऊपर जो फिक्र हुई वो भी अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी जिक्र किया, जिस जिक्र में ये बात शामिल थी कि आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता और पत्रकारों का क्या योगदान रहा, उसको हमने दोहराया, उसको याद किया। उसके बाद एक बात निकल के आई, वाकई जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का योगदान रहा था, उसके बाद वो भी अपने आप में वो भी कंट्रीब्यूशन एक शहादत ही था जो अमर हो चुका है, लेकिन उस लकीर पर आज हम नहीं हैं, उससे कहीं ना कहीं भटक गए हैं। जैसा कि अभी सैयदैन साहब ने, सीनियर साफी ने ये बात कही कि पत्रकारिता जब से पेशेवर हो गई है, जब हमें उससे रोटी रोजी तलाशने की कोशिश करनी पड़ती है तो हमें कई समझौते करने पड़ते हैं, और ये समझौते ऐसे हैं जो पत्रकारिता के जो मूल धर्म है उसको कहीं ना कहीं मार देते हैं। मसला क्या है कि हमारी कुछ समझौतावादी जो पत्रकारिता है उसमें हमारी मजबूरी भी है और ये हमारा एक तरीके से हमारी कमजोरी भी है कि हमें सत्ता के आगे कहीं ना कहीं पत्रकारिता को एक बड़ा समझौता करना पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जिक्र हुआ कि यहाँ पर जो जिले के पत्रकार, स्थानीय पत्रकार मिले, उनके साथ मिलकर खुशी हुई और इस बात को महसूस हुआ कि अगर पत्रकारिता कहीं जिंदा है तो जिलों में, छोटे जिलों में, जहां ये स्थानीय पत्रकार जो हैं, जो सचमुच की सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, भले ही उनका पेशा वो अध्यापक हो, वो कोई दुकान चला रहे हो, लेकिन असल पत्रकारिता वही जिंदा रखे हुए हैं। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं राजधानी की जो चकाचौंध वाली पत्रकारिता है उससे अलग हटकर हम सामाजिक सरोकार और जमीन की पत्रकारिता से जुड़े, ताकि पत्रकारिता की जो सिद्धांत है, मूल्य है, उनको जिंदा रखा जा सके। शुक्रिया, थैंक यू। मौजूद है और ये उन्हीं का, चूंकि ये क्षेत्र यहीं से वो विधायक भी है और मंत्री भी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि शहीद मेले के बारे में। शहीद मेला हमारे मैनपुरी जनपद की आन बान और शान, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं। जो मेला लगता है उसमें ये ग्रामीण एक तरह से नुमाइश है, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम विकास के लिए ये समर्पित है मेला। यहाँ गांव के हमारे किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें ये आती हैं और मेले में खरीदारी भी करती हैं, मनोरंजन भी करते हैं सब। और ये मेला सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व का मेला है, इसमें तमाम कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम और शहीदों को समर्पित कार्यक्रम इस मेले के अंदर होते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई मेला के आयोजकों को, जिन्होंने हर वर्ष ये मेला हर वर्ष वर्ष प्रति वर्ष अच्छे से अच्छा मेला लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं। बोले, हम यहाँ मैनपुरी में आए, अच्छा लगा लोकल पत्रकारों से मिल करके, बहुत अच्छा लगा। टॉपिक था वो स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, इन दोनों में क्या फर्क है, किस तरह का पत्रकारिता पहले हुआ करती थी और अब क्या है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोला नहीं हूँ और बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये लिहाजा इसमें कहना ये चाहूँगी कि पत्रकारिता हमेशा से पत्रकारिता रही है, पत्रकार हमेशा अलग रहे। पत्रकार और पत्रकारिता को कैसे आप अलग करते हैं ये आप खुद सोचिए। पत्रकारिता पहले जो थी वो शौक थी, अब पत्रकारिता जो है वो प्रोफेशन बन गया है। शायद उसी का असर है कि जब आपका आपकी रोजी रोटी पत्रकारिता हो जाती है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, जो शायद आम आदमी ये करता है। इसी का असर आज की पत्रकारिता पर दिख रहा है
जो आप पत्रकारों को देखते हैं कि कोई किसी तरफ है, कोई किसी तरफ है, सरोकार की पत्रकारिता आप नहीं है। पहले पत्रकारिता सरोकार की पत्रकारिता थी, लोग बात इशू और मुद्दे उठाते थे, अब वो पत्रकारिता नहीं है। इसमें गौर शहीद, आज हम लोग देवर में आए, यहाँ पर शहीद मेले में पत्रकारिता का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जो टॉपिक अभी मैंने आपसे जिक्र किया उस पर बहुत सारे पत्रकारों ने बोला। सबसे बड़ी अच्छी बात जो इस पत्रकार सम्मेलन की रही वो ये कि लोकल पत्रकारों से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनकी जानकारियां ली, उनके बारे में समझा कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा।